तो इस वक्त हम मौजूद हैं नंदगांव में कृष्ण बलदाव के मंदिर में, और यहाँ ऊपर आए हुए हैं। जैसा कि ये विहंगम परिसर आपको दिख रहा है, बहुत ही ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है और चारों तरफ परिक्रमा का बना हुआ है मंदिर के, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और मैं फ्रंट कैमरे के रियर कैमरे के माध्यम से आपको और मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। वालों का सिस्टम हमको ये सही लगा, बस में अगर सीएनजी भरी जा रही है तो बस के सभी यात्रियों को जो है नीचे उतार दिया गया है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसी सुरक्षा के नॉर्म्स का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। ये है बस जिसमें सीएनजी भरी जा रही है और ये हम हैं जो नीचे खड़े हुए सीएनजी भरने के इंतज़ार में। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में। मथुरा जो है कृष्ण जन्मभूमि के लिए जाना जाता है। ये पीछे जो मेरे गेट दिख रहा है ये कृष्ण जन्मभूमि का गेट है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। अभी मम्मी पापा लोग अंदर गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है आप मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी मैंने सभी के मोबाइल फ़ोन कैरी आउट करे हुए हैं, बैग्स कैरी आउट करे हुए हैं और वो लोग दर्शन करने गए हुए हैं। जब वो लोग वापस बाहर आ जाएंगे तब मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो अगर आप कृष्ण जन्मभूमि आ रहे हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन जो है, अगर आप होटल में रुके हुए हैं, धर्मशाला में रुके हुए हैं, तो सुरक्षित जगह पर अपना मोबाइल फ़ोन जो है छोड़ कर आ सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले भी आए
तो यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, बैगेजेस काउंटर हैं, और जो है मोबाइल जमा करने के भी काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पर आके आप मोबाइल जमा कर सकते हैं, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो है दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन में ऐसी समस्या कहीं पर भी नहीं है कि आपको मोबाइल फ़ोन से लाउ ना हो। आप इवन बांके बिहारी मंदिर में भी जो है मोबाइल फ़ोन लेकर जा सकते हैं, लेकिन मथुरा जन्मस्थली में जो है आपको मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी होगी। तो